हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो उडवर्स न्यू। आज मैं बात करने वाला हूँ इजुसू एमयूएक्स के बारे में, जो कि इसी महीने 11 तारीख को लॉन्च होने वाली है। इजुसू अपनी नई एसयूवी को इंडियन मार्केट में उतारने वाली है। इजुसू एमयूएक्स इंडिया में पूरी तरीके से असेंबल की गई है, ताकि इससे आपकी जो कॉस्ट है कार की वो आपको सस्ती पड़ेगी। एमयूएक्स इंडिया में सबसे पहले मैं 2016 के ऑटो एक्सपो में दिखी थी, तो काफ़ी लोगों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, तो कंपनी ने सोचा कि इंडियन मार्केट में से लॉन्च किया जाए। अब जाके 2017 में यानी 11 तारीख को लॉन्च होने वाली है। इसकी पहले डेट थी दिसंबर को, पर कुछ डिले की वजह से अब लॉन्च करी है। एमयूएक्स ने MU7 को रिप्लेस किया है, यानी जो MU7 जो पुराना मॉडल था वो नहीं मिलेगा, MU-X नया मॉडल अब ये मिलेगा आपको। MU-X 2013 से मार्केट में आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया, लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस जैसी कंट्रीज में पहले से ही लॉन्च हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार MU-X मॉडल 2013 से बाकी कंट्रीज में चल रहा है। इसके अपग्रेड वर्जन आते रहे, तो ये काफ़ी फेमस है बाहर। इंडिया में लॉन्च करने से पहले MU-X में 2016 में कंपनी ने काफ़ी चेंजेस किए थे, और वो 2016 का अपडेट वर्जन थाईलैंड में लॉन्च हुआ है 2016 में, तो वही सेम वर्जन अब इंडिया में आ रहा है। MU-X की ओवरऑल लुक की बात की जाए तो काफ़ी ऊंची गाड़ी है, क्योंकि ये SUV में बैकग्राउंड से आती है, और फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है जो काफ़ी बड़ा है और चौड़ा है। देखने में आपको लगेगा जो फ्रंट ग्रिल के दो पीस है वो अलग अलग जोड़े गए हैं, और बोनेट के नीचे आपको इजुसू का नाम लिखा हुआ लोगो दिख जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है और दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है। MU-X के अंदर ग्रे कलर का बम्पर यूज करा गया है। अगर फ्रंट की बात की जाए तो आपको DRR मिलेगा, यानी डे टाइम रनिंग लाइट मिलेगी MU-X के अंदर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ। फॉग लाइट भी मिलेगी आपको, और जो फॉग लाइट का एरिया है उसे क्रोम से कवर करा गया है। थाईलैंड में जो MU-X लॉन्च करी गई है 2016 में, उसकी जो DRL यानी डे टाइम रनिंग लाइट है फॉग लाइट के पास है, बट जो इंडिया में लॉन्च होगी वो आपको हेडलाइट के पास ही डे टाइम रनिंग लाइट दी है। तो इंडिया में जो लॉन्च हो रही है 2017 में वो काफी अच्छी है थाईलैंड के मुकाबले देखने में फ्रंट से। साइड लुक की बात की जाए तो आपको ORVM मिलेगा, जो कि साइड इंडिकेटर का भी काम करेगा कार को मोड़ते वक्त, और आपको रूफ रेल भी मिलेगी। साइड स्टेप्स भी मिलेंगे, ताकि आपको कार में चढ़ने में या उतरने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साइड से अगर आप व्हील आर्चेस को देखें वो उभरे हुए हैं, वो पुरानी फॉर्चुनर की याद दिलाते हैं, और आपको 18 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। अगर बैक लुक की बात की जाए तो आपको LED लाइट्स भी मिलेगी, स्पॉयलर भी मिलेगा आपको इसी के साथ। फ्रंट की तरह ही पीछे भी ग्रे कलर के बम्पर यूज करे गए हैं। रैप अराउंड टेल लाइट मिलेगी आपको इसके अंदर, जो कि साइड से भी दिख रही है आपको अगर देखो तो। साइड से ग्रे कलर के बम्पर इसलिए यूज करे गए हैं क्योंकि आप अगर ऑफ रोडिंग करोगे तो आपको डस्ट वगैरह जो कार में लग जाती है इससे कार में ज्यादा आपको दिखेगी नहीं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। डैशबोर्ड में दो तरीके के कलर इस्तेमाल करे गए, बेजिंग और ब्लैक। बेजिंग जो मिट्टी का कलर होता है उसे बोलते हैं, और आपको 8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा इसके अंदर। स्टीयरिंग व्हील पर आपको ऑडियो और कॉल कंट्रोल का फीचर मिलेगा आपको। डैशबोर्ड में आपको बेजिंग, सिल्वर और ब्लैक कलर के आपको इस्तेमाल करा गया है। MU-X के आपको सभी वेरिएंट में लेदर सीट मिलेगी। MU-X के अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो लेंथ यानी लंबाई है 4825 मिलीमीटर, विड्थ यानी चौड़ाई है 1860 मिलीमीटर, हाइट मतलब ऊंचाई है 1840 मिलीमीटर, व्हील बेस मतलब आगे और पीछे के टायर का गैप है 2845 मिलीमीटर, और ग्राउंड क्लियरेंस है 225 मिलीमीटर। MU-X के फिलहाल जो मार्केट में कॉम्पिटिटर है वो है फॉर्चुनर, एंडेवर, पजारो स्पोर्ट और शेवलेट की टेल ब्लेजर। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की डायमेंशंस की भी बात की जाए, लेंथ यानी लंबाई में MU-X फॉर्चुनर से बड़ी है, चौड़ाई सिर्फ ट्रेल ब्लेजर और एंडेवर से कम है, बाकी सभी से ज़्यादा है, हाइट में सभी से ऊँची है, व्हील बेस सिर्फ एंडेवर से कम है, ट्रेल ब्लेजर जितना है, ग्राउंड क्लियरेंस ट्रेल ब्लेजर से कम है पर एंडेवर जितना है। इंजन की बात की जाए तो आपको MU-X के अंदर दो इंजन के ऑप्शन मिलेंगे, 3 लीटर डीजल इंजन और 1.9 लीटर डीजल इंजन। जो 3 लीटर वाला इंजन है वो 175 BHP की पावर जनरेट करेगा और 380 Nm का आपको टॉर्क देगा। वही 1.9 लीटर वाला इंजन है वो आपको 148 BHP की पावर जनरेट करेगा और 350 Nm का आपको टॉर्क देगा। 3 लीटर वाले इंजन में आपको 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन मिलेंगे, और 1.9 लीटर वाले इंजन में आपको 2 व्हील ड्राइव के ऑप्शन मिलेंगे, जो कि पीछे वाले टायरों में पावर देगा। पर अभी 1.9 लीटर डीजल का इंजन का भी पक्का नहीं है, मेरे ख्याल से कि अभी कंपनी सबसे पहले 3 लीटर वाले इंजन को लॉन्च करेगी, ताकि जो उसके कॉम्पिटिटर है फॉर्चुनर वगैरह को आपको कम्पीट कर सके, इसलिए पहले कंपनी 3 लीटर वाला इंजन करेगी। बाकी हो सकता है कि कंपनी आगे 1.9 लीटर वाला डीजल इंजन लॉन्च कर दे, पर मेरा मानना है कि कंपनी को साथ में ही लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि जो 1.9 लीटर डीजल इंजन है वो काफ़ी पावरफुल है और वो काफ़ी सस्ता भी है। 1.9 लीटर डीजल इंजन अभी लॉन्च नहीं होगा, सबसे पहले अभी 3 लीटर वाला इंजन ही लॉन्च होगा,
क्योंकि जो MUX के जो कॉम्पिटिटर है उनसे कम्पीट करने के लिए कंपनी सबसे पहले बड़ा इंजन लॉन्च कर रही है। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो आपको 6 गियर मिलेंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों। MUX की सिटी में एवरेज है 14 और हाईवे पर है 16 किलोमीटर पर लीटर की। अगर फीचर्स की बात की जाए तो एक्सटीरियर में जो फीचर्स MUX में वो है डे टाइम रनिंग लाइट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टेल लाइट, स्पॉयलर विद LED लाइट, ORBM, 18-inch अलॉय व्हील, रियर पार्किंग कैमरा। इंटीरियर में जो फीचर्स है वो है 14 कप होल्डर, 6 हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 8-inch डिस्प्ले, 10-inch DVD मॉनिटर ऑन रूफ रियर पैसेंजर्स के लिए, पुश स्टार्ट बटन, फोल्डेबल मिडल सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की जाए तो MUX जो ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुई है उसमें 7 एयरबैग है और NCAP जो कि क्रैश टेस्ट करती है उसमें MUX को 5 स्टार मिले हैं। बट जो इंडिया में मुझे लग रहा है जो लॉन्च होगी इसमें सिर्फ 2 एयरबैग आएंगे, वही फ्रंट के 7 एयरबैग अभी आएंगे नहीं। अगर वो आते हैं तो उसके से कार की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट जो इसकी कार की कॉस्ट कम रखने के लिए कंपनी सिर्फ फ्रंट में 2 एयरबैग दे रही है। ABS मिलेगा, ABS मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम, और आपको EBD मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक बेस डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आप ये ब्रेकिंग में काम आता है आपके, हिल स्टार्ट असिस्ट और रिवर्स कैमरा। अगर प्राइस की बात की जाए तो MUX के जो बेस मॉडल का प्राइस है वो है 25 लाख और जो टॉप मॉडल का प्राइस है वो 30 लाख। फॉर्चुनर के बेस मॉडल का प्राइस है 27.52 लाख और टॉप मॉडल का प्राइस है 31.12 लाख। फोर्ड एंडेवर के बेस मॉडल का प्राइस है 23.78 लाख और टॉप मॉडल का प्राइस है 30.89 लाख। पजारो स्पोर्ट के बेस मॉडल का प्राइस है 27.69 लाख और टॉप मॉडल का प्राइस है 28.59 लाख। ट्रेल ब्लेजर के प्राइस है 23.95 लाख। ट्रेल ब्लेजर का सिर्फ एक ही वेरिएंट है इसलिए इसके एक ही प्राइस है। बहुत लोगों का कहना है कि MUX ट्रेल ब्लेजर की तरह लग रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। साइड से अगर देखें तो एक तरीके से लगेगी, फ्रंट से और बैक से अगर आप देखोगे तो आपको अलग लगेगी, दोनों कारें अलग है। तो अगर आप फॉर्चुनर, एंडेवर, पजारो स्पोर्ट्स खरीदने जा रहे हैं तो आप MUX को भी एक बार आप उसकी ट्रायल लेके आए, क्योंकि उसमें काफी बढ़िया फीचर्स मिलेंगे आपको। उसमें MUX के इंजन में आप पूरा भरोसा कर सकते हो क्योंकि 1934 से मार्केट में है और कम से कम 83 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को, और ये सिर्फ डीजल इंजन में इनकी स्पेशलिटी है। तो आप इसके इंजन पे पूरा भरोसा कर सकते हो कि इसका इंजन काफी अच्छा है। और आपको एक बात बताऊं, इसकी MUX की जो इंजन है वो ड्रैग रेसिंग में भी यूज होता है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इंजन कितना अच्छा है। MUX जो लॉन्च हो रही है वो बाहर पहले से ही मार्केट में, और वो ज्यादातर दो चीजों के लिए यूज होती है। एक तो वो अपनी बोट्स वगैरह है जो बीच तक ले जाने में काम आती है, या फिर उनका जो मूविंग जो हाउस वगैरह होते हैं टेम्परेरी, उनको बांध कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं ऑस्ट्रेलिया में खासकर, और आपको ऑफ रोडिंग के लिए भी काम आएगी। ये इज़ुसु की जो ऑफ रोडिंग किट है वो काफी बढ़िया है। अगर आप कंपनी में एक बार विजिट करोगे उसके आप ऑफ रोडिंग किट देखना, MUX की बहुत ज्यादा अच्छी किट है उसके अंदर, क्योंकि जो MUX है वो ज्यादातर ऑफ रोडिंग के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग के या फिर हाईवे पे अगर आप जाते रहते हो रेगुलरली तो आप एक बार MUX को जरूर देखना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं के लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूंगा, और आप कार सेफ चलाएं। थैंक यू।